होने वाला है प्री का रिजल्ट आ चुका है और जब ये शुरू होने वाला है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक कन्फ्यूज हैं मैम कैसे पढ़ें जीए के लिए कुछ गाइड कर दो तो उसी गाइडेंस को देने के लिए मैं आपके सामने आ चुकी हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है इन दस पंद्रह दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कैसे आप लोग आसानी से मीन को क्वालिफाई कर सकते हो पिछले कुछ समय में अगर हम लोगों ने देखा है जो पेपर है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है उसकी डिफिकल्टी लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है वैसा लेवल कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जनरली क्या होता है आरआरबी को टफ कर दिया जा रहा है आईबीपीएस से भी ज्यादा टफ हो गया था आर तो इस टाइम में हम लोगों का जो स्ट्रैटेजी है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम लोग बढ़िया से पेपर को सॉल्व कर सके अब इसके बीच में दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं इन दोनों स्टूडेंट्स के इन दोनों क्वेश्चन की बात अगर मैं आपसे करूँ तो इसमें सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो आती है कितने महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए आखिर में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो कितने महीने की पढ़े सवाल अच्छा भी है क्योंकि कुछ लोग आपसे कहेंगे कि छह महीने की पढ़ो कुछ कहेंगे चार महीने की कुछ कहेंगे आठ महीने की कुछ ऐसा भी कहते हैं कि अरे एक साल पुरानी आई थी आने को तो आई थी लेकिन अब आपके पास टाइम कितना है क्या आप पढ़ सकते हो एक साल तक की करंट अफेयर्स नॉट पॉसिबल तो यहां पे जनरली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं करंट अफेयर्स जिनके लिए अभी करंट अफेयर्स एक चैलेंज नहीं है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई ही नहीं करी है कुछ भी और अब उनके लिए करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मेन्स में सारा खेल हो जाता है करंट अफेयर्स का इंटरव्यू में सारा खेल होता है करंट अफेयर्स का टैकल कैसे करना है टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर आपने पहले से पढ़ रखा है ग्रेट एंड गुड अब आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ से रिवाइज करनी है और रिवीजन आपके लिए आसान है क्योंकि आप रिटेन कर सकते हो आपने पहले से पढ़ रखा आपके लिए हर चीज को कनेक्ट करना कलेक्ट करना दोनों ही आसान है फिलहाल में तो जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे थे यू पीपल कैन गो फॉर सिक्स मंथ ठीक है जो लोग पहले से करते आ रहे हो ये लोग छः महीने की करंट अफेयर कर सकते हैं इनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि आपने तो ऑलरेडी कर रखा है ये जो छह महीने की आपने करंट अफेयर्स करी है अब कोशिश करो कि क्विजेज और मॉक्स भी लगाओ ठीक है और करंट अफेयर्स में आपको सब कुछ इंक्लूड करना है कुछ छोड़ना नहीं है फिर एक बात आती है बैंकिंग अवेयरनेस कितना करें सारे टॉपिक्स करें आप अपना टाइम देखो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप सारे टॉपिक कर सकते हो कर बैंकिंग अवेयरनेस के नहीं है तो इस बीच में कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये मैं आपके साथ एक वीडियो में शेयर कर दूंगी फिलहाल भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कोशिश करिए कि छे महीने की करंट अफेयर्स आप लोग बहुत अच्छे से कर लो और इस छे महीने में जो पिछला चार महीने था उसको चूरन की तरह चाटो ठीक है उसको छोड़ो ही नहीं यही सजेशन मैं उनको भी दूंगी जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है है पिछला चार महीना ठीक है? पिछले चार महीने से लगभग मैक्सिमम चीजें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अब चार महीने से पहले तो छह महीने का ट्रेंड था कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो महीने से मैक्सिमम पेपर नब्बे परसेंट पेपर बन गया ग्रेड बी में भी ऐसा हुआ है बहुत ही रीसेंट क्वेश्चंस उन्होंने भी पूछे थे तो ये आप लोग कोशिश करो छह महीने जो पुराने से पढ़ रहे हैं वो आप लोग पहले से पढ़ रहे हो छह महीने कर लो जिन्होंने अभी शुरुआत करी है वो लोग कुछ नहीं तो चार महीने बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लो क्योंकि इतना बैकलॉग आपने क्रिएट कर लिया छह महीने जाना इज नॉट पॉसिबल फॉर यू पीपल इसलिए चार महीने अच्छे से कर लो करना तो चाहिए बट यू डोंट हैव टाइम तो बी प्रैक्टिकल बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ पढ़ो जो आप याद रख सको छे महीने का पढ़ तो लोगे अब आप, आप आज से लेकिन पूरे दिन करंट अफेयर्स नहीं करोगे ना बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं उसको कब टाइम दोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट को टाइम देना दिमाग में रख के चलना है कि हर एक सब्जेक्ट है जिसे मुझे टाइम देना और ये इंपॉर्टेंट है करते चलना है इसलिए जरूरी है कि आप लोग छह महीने के करंट अफेयर्स को छोड़ के चार महीने पर फोकस करो जो आप रिटेन कर पाओ एग्जाम अच्छा हो जाएगा ठीक है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में मैं आपको बता दूंगी एक और वीडियो वो भी जल्दी ही रिलीज कर दूंगी ओके okay. कब तक पढ़नी है तो ये पेपर आपका दस सितंबर को है कोशिश करो कि कम से कम दो से तीन सितंबर तक आप लोग पढ़ लो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक दिन पहले की न्यूज भी आ जाती है कहीं ना कहीं को रिलेट करके तो अगर आपके पास टाइम है आपका रूटीन है तो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास होती है करो लेकिन अगर आपके पास में ये दोनों नहीं है तो कोशिश करो एटलीस्ट तीन सितंबर तक के करंट अफेयर्स देखो क्योंकि करंट अफेयर्स में सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है

आपने कोई न्यूज पढ़ी वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड तो एट द टाइम ओनली आप लोग वर्ल्ड बैंक की इंफॉर्मेशन को तुरंत अपने पास रखो ठीक है ये आपको क्लासेस में भी मिलता है जैसे हम लोग जब क्लास कराते हैं तो वर्ल्ड बैंक के साथ में अगर हमने कोई न्यूज बताई है तो उसमें आपको वर्ल्ड बैंक की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो उसको देन एंड देयर कर लो अलग से पढ़ोगे तो आपका टाइम जाएगा ठीक है ऐसे आपका टाइम सेव हो सकता है एक और भी बात दोस्तों जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी होगी कि जितना हो सके पढ़ने के बाद क्विजेज लगाओ क्वेश्चन लगाओगे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसा आता है और इसके साथ ही साथ में आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी हैं कभी कभी क्या होता है हमारी गलती होती है कि हम क्वेश्चन रीड करने में गलतियां करते हैं वो हम उससे बच सकेंगे तो ये दोनों काम आप करोगे अगर आप क्वेक्स क्विजेस और मॉक्स लगाते चलोगे ओके सो ट्राई कि आप ये दोनों काम करते चलो अपनी प्रिपरेशन के साथ ही साथ में ओके okay? दोस्तों वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस दौरान इतना मत पढ़ना जो आप रिटेन ही ना कर पाओ वही पढ़ना जो आपसे रिटेंशन आसान हो जिसको आप आसानी से रिटेन कर पा रहे हो और कर पा रहे हो ठीक है उतना ही पढ़ना जबरदस्ती वो काम मत करना जो नहीं है आपके वश की बात अभी ओके कम से कम कोशिश करो पांच से छह घंटे सो हेल्दी रहना भी हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ाई करना तभी आप पेपर में परफॉर्म कर पाओगे तो ये कुछ सजेशंस थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी सोर्सेस क्या होने चाहिए तो वो आप मुझे बैंकिंग वाला पे ज्वाइन कर सकते हो डेली बारह बजे ठीक है तो डेली ट्वेल्व पीएम आपकी क्लास होती है बैंकिंग वाला की आप यहां पे कर सकते हो मेन्स के लिए ठीक है मीन की आपकी क्लास चलती है जीए की कहां पर बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे डेली बारह बजे मीन वाली कुछ कुछ मैराथन भी हैं जो मैं आपके साथ में प्लान कर रही हूँ मैंने आपसे शेयर भी किया है नहीं किया तो अभी आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी कितने मैंने मैराथन प्लान कर रखे हैं पूरी प्लानर है मेरी कि मैं सत्ताईस से लेकर के नौ सितंबर तक क्या करने वाली हूँ वो सारी चीजें आपसे शेयर कर दी जाएंगी इसमें करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक हर चीज कवर्ड है ठीक है सो आपको घबराना नहीं है बस चलते रहना है प्रिपरेशन करते रहना है एंड खुद को बहुत बचा कर रखना है बहुत नाजुक समय है इस नाजुक समय में आप और भी ज्यादा नाजुक हो जाते हो खुद को बचा कर रखो प्रिपरेशन करते रहो और सिलेक्शन लेकर आओ हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगर आप करंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो मुझे मॉर्निंग सिक्स एम ज्वाइन कर सकते हो बैंकिंग वाला चैनल पर नाव अव अ ग्रेट डे अहेड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टूडे क्लास जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू लव यू बाई